उत्तर प्रदेश के कैराना के एक तालाब का पानी दूषित होने से काला पीलिया जैसी भयानक बीमारियों से मौतों का सिलसिला जारी है। प्रशासन अभी तक मौन व्रत रखे बैठा है। तालाब का पानी दूषित होने से काला पीलिया जैसी भयानक बीमारियों से मौतों का सिलसिला लगातार बदसूरत जारी है। तालाब के पानी के दूषित होने से गांव में लोग काला पीलिया, कैंसर एवं हेपेटाइटिस जैसी भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिस कारण गांव में दर्जनों लोग मौत की आगोश में जा चुके हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन साधे हुए बैठा है। वहीं शासन से लेकर प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। कोई इस मसले की हल्की तैयारी करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है, इतनी मौतों के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? क्या प्रशासन और शासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार तो नहीं कर रहा? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पहल सिंह सैनी है। अच्छा, पहल सिंह सैनी जी, ये जो आपका गांव है पंडित, इसमें जो है क्या नाम, एक झोड़ है जी। उसमें देखने में आया है, ग्रामीणों का भी कहना है कि इसमें जो अत्यधिक मात्रा में मच्छर है और गंदगी है जी। तो उसका कोई निवारण नहीं हुआ क्या? ये बात बिल्कुल सही है। गांव वालों ने इस जोहड़ के, इस तालाब के लिए शासन और प्रशासन को कई बार लिखा है, कई बार मौखिक रूप में उन लोगों तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन कभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और मच्छर जैसी समस्या। उत्तर प्रदेश ब्यूरो न्यूज़।